हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश संगीत। बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे जेई 13 का CET 03 मेंस लेवल पेपर। तो पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री की बात करेंगे, बाद में आपको ऑर्गेनिक का डिस्कशन होगा। तो पहले फिजिकल केमिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। गिवन है आपको क्वेश्चन नंबर 26, सरफेस केमिस्ट्री से क्वेश्चन है और बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। जो ये क्वेश्चन है वहां पर मोर देन और सिंगल चॉइस और मल्टीपल चॉइस दोनों क्वेश्चन है। तो आपको पहले देखना था यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सिंगल या मल्टीपल है। तो गिवन है आपको फेनलिक एडसॉर्प्शन आइसोथर्म गिवन बाय एक्सप्रेशन एक्स बाय एम इक्वल टू के पी पावर 1 बाय एन, राइट। ये आपको रिप्रेजेंटेशन तो पता होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो फर्स्ट गिवन है स्टेटमेंट व्हेन 1 अपॉन एन इक्वल टू 0, तो 1 अपॉन एन 0 हो गया, तो ये क्या बचेगा, एक्स अपॉन एम इक्वल टू के पी पावर 1 अपॉन एन को 0 कर दिया, तो यहाँ पे एक्स अपॉन एम किसके बराबर हो जाएगा, के बराबर, राइट। यानी प्रेशर पर कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो बोला है व्हेन 1 अपॉन एन इक्वल टू 0 द एडसॉर्प्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द प्रेशर, तो ये क्या होगा, करेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट बोला है, बट आपको कौन सा सेलेक्ट करना है जो इनकरेक्ट है। सेकंड बोला है व्हेन 1 अपॉन एन इक्वल टू 0 एडसॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, 1 अपॉन एन 0 हो गया तो प्रेशर पे तो इंडिपेंडेंट हो गया, तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा और आपका आंसर हो जाएगा, राइट, क्योंकि आपको इनकरेक्ट ही बताना है। थर्ड बोला है व्हेन 1 अपॉन एन इक्वल टू सॉरी व्हेन एन इक्वल टू 1, तो अगर एन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो 1 अपॉन एन भी क्या होगा, 1, तो एक्स अपॉन एम किसके बराबर, के इंटू पी के बराबर, तो एक्स अपॉन एम क्या होगा, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो बोला है एन इक्वल टू 1 एक्स अपॉन एम वर्सेस पी ग्राफ इज अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो एक्स अपॉन एम का अगर आप यहाँ पे प्रेशर के साथ ग्राफ ड्रॉ करो तो वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इंटरसेप्ट 0 होगा, तो यहाँ पे इस तरह का ग्राफ आ जाएगा। पैरेलल टू एक्स एक्सिस का क्या मीन्स है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर, प्रेशर कुछ भी हो एक्स अपॉन एम का वैल्यू कॉन्स्टेंट होगा, तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं होने वाला है, इस तरह का ग्राफ आपको मिलेगा, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, सो आपका आंसर है। फोर्थ बोला गया है व्हेन इक्वल एन इक्वल टू 1, जब एन इक्वल टू 1 हो जाएगा तो यहाँ पे एक्स अपॉन एम वर्सेस पी इज अ कर्व, कर्व लाइन नहीं है, स्ट्रेट लाइन है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या होगा, यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27 गिवन है आपको, कंसंट्रेशन सेल गिवन है H2 / HA और NA। HA और NA क्या है, यहाँ पे वीक एसिड और सॉल्ट का कॉम्बिनेशन है, यानी यहाँ से आपको बफर बना रखा है, बफर से आपको क्या मिलेगा, pH, और अगर pH मिल जाएगा तो आप यहाँ से H+ का वैल्यू निकाल सकते हैं, राइट। यहाँ पे दो कंसंट्रेशन सेल गिवन है और पूछा गया है वैल्यू ऑफ द सेल पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन, वैल्यू ऑफ सेल पोटेंशियल किस पर डिपेंड करने वाला है, तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट वैल्यू ऑफ pKa ऑफ HA टेम्परेचर कंसंट्रेशन ऑफ HA इन 2 इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन ऑफ NA इन 2 इलेक्ट्रोड, तो हम यहाँ पे पहले तो नंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग सेल पोटेंशियल निकालना लेने की कोशिश करते हैं। तो E सेल क्या होगा, E0 माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग प्रोडक्ट और रिएक्टेंट का रेशियो ले लेते हैं, तो यहाँ पे ई नोट तो बिकॉज हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है तो ई नोट तो क्या हो जाएगा, 0, तो हम यहाँ पे एनोड और कैथोड के एच प्लस की बात करते हैं, तो एनोड पर क्या होगा ऑक्सीडेशन, तो एच टू से क्या बनने वाला है 2H+ + 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे क्या होगा रिडक्शन, 2H+ से क्या बनेगा 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके एच टू यहाँ पर बन जाएगा, तो ये एनोड के एच टू और एच प्लस है, कैथोड के एच टू और एच प्लस है, राइट। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट इक्वेशन में अगर वैल्यू पुट करें तो ई सेल क्या होगा 0 माइनस 0.06 अपॉन 2 लॉग प्रोडक्ट क्या है, यहाँ पर नेट इक्वेशन अगर आप बनाएंगे तो प्रोडक्ट क्या होगा H+ ऑफ एनोड स्क्वायर इनटू H2 ऑफ कैथोड अपॉन H2 ऑफ एनोड इनटू H+ ऑफ कैथोड स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे प्रेशर के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं, तो आप प्रेशर क्या ले लेंगे, यहाँ पे 1 ले लेंगे, तो फाइनली ई सेल आपको क्या मिल जाएगा माइनस 0.06 बाई 2 लॉग H+ ऑफ एनोड स्क्वायर अपॉन H+ ऑफ कैथोड स्क्वायर, ठीक है। तो अगर यहाँ पे H+ ऑफ एनोड और कैथोड चेंज हो रहा होगा तो ई सेल चेंज होगा, बट यहाँ पे बफर सॉल्यूशन है तो बफर सॉल्यूशन का आप H+ कैसे निकालेंगे, तो बफर सॉल्यूशन का आप H+ कैसे निकालेंगे, H+ क्या होगा यहाँ पे बफर सॉल्यूशन का pH इक्वल टू H+ आप कैसे निकालेंगे, pH इक्वल टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन कंजुगेट बेस अपॉन वीक एसिड, या फिर आप इससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं अगर आपने आयनिक इक्विलिब्रियम को ठीक से पढ़ा हो, तो वहां पे आप H+ ऑफ K क्या होगा H+ ऑफ सॉल्यूशन इनटू A- अपॉन
एच ए, तो वहां से एच प्लस ऑफ सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, के ए इंटू एच ए अपॉन ए माइनस रेशियो से। तो यहां पे अगर मैं एनोड की बात करूं तो एच प्लस ऑफ एनोड क्या होगा यहां पर, के ए इंटू एच ए अपॉन ए माइनस ऑफ एनोड, और एच प्लस ऑफ कैथोड क्या हो जाएगा यहां पर, के ए इंटू एच ए अपॉन ए माइनस ऑफ कैथोड, राइट। तो यहाँ बिकॉज यहाँ पे दोनों के लिए एसिड तो सेम है तो के का वैल्यू क्या रहने वाला है, सिमिलर रहने वाला है। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, टू को आगे ले सकते हैं, तो 0.06 log एच प्लस ऑफ एनोड अपॉन एच प्लस ऑफ कैथोड, यही यहाँ पर बचने वाला है। तो ई सेल फॉर्मूला में पुट कर दें, ई सेल क्या होगा यहाँ पे माइनस 0.06 log एनोड का एच प्लस क्या होगा यहाँ पे, एच ए ऑफ एनोड अपॉन ए माइनस ऑफ एनोड इंटू अपॉन एच प्लस ऑफ कैथोड क्या होगा, एच ए ऑफ कैथोड अपॉन ए माइनस ऑफ कैथोड, ठीक है। तो ये ई सेल हो जाएगा। अब यहाँ पे जो सेल पोटेंशियल है वो यहाँ पर डिपेंड करेगा कि एनोड और कैथोड में एसिड और उसके कंजुगेट बेस का कंसेंट्रेशन क्या है, कैथोड में यहाँ पे उसके कंजुगेट बेस और एसिड का कंसेंट्रेशन क्या है। तो यहाँ पे ई सेल तो इन बात पे डिपेंड करने वाला ही है। तो देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या सेल पोटेंशियल पी के ए पर डिपेंड करेगा, क्या क्या यहाँ पे कहीं रिप्रेजेंटेशन में के आया क्या, नहीं आ रहा है, तो ये पी के ए पर डिपेंड नहीं करेगा। सेकंड स्टेटमेंट टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, यस टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा बिल्कुल। ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहां से आया है, ये कहां से आया है, आर टी अपॉन एन एफ से, 2.303 आर टी अपॉन एन एफ से। तो ये जो आपने वैल्यू लिया है वो क्या लिया है, टेम्परेचर को 25 डिग्री सेल्सियस मान के लिया है। तो वैसे भी ई सेल किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर वेरी हो रहा होगा तो यहाँ पे ई सेल का वैल्यू भी वेरी हो रहा होगा। तो जो सेल पोटेंशियल होता है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है। तो सेकंड पॉइंट क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा, डिपेंड करेगा सेल पोटेंशियल टेम्परेचर पे। कंसेंट्रेशन ऑफ एच ऑफ टू इलेक्ट्रोड, यस डिपेंड करेगा। कंसेंट्रेशन ऑफ एन ए ए सॉल्ट ऑफ टू इलेक्ट्रोड, यस एन ए ए पे भी डिपेंड करेगा, बिकॉज कंजुगेट बेस आपको वहीं से मिलने वाला है। तो सेकंड थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इसमें क्या होगा, करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 गिवन है, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है, फॉर H2 गैस एट STP मोलर वॉल्यूम इज ग्रेटर देन 22.4 लीटर। तो अगर हम यहाँ पे Z की बात करें तो Z ऑफ H2 क्या होता है, ग्रेटर देन 1 ही होता है। तो इसका मीन्स क्या होता है, जो Z होता है वॉल्यूम ऑफ रियल गैस और वॉल्यूम ऑफ आइडल गैस का रेशियो होता है। तो हाइड्रन गैस के लिए सभी प्रेशर पे Z का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, इसका मीन्स वॉल्यूम ऑफ H2 क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ आइडियल गैस से ज्यादा ही होता है। इसका मीन अगर आप STP कंडीशन लें तो वॉल्यूम ऑफ H2 क्या होगा, हमेशा 22.4 लीटर से ज्यादा ही होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे उसके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स नहीं होते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। सेकंड स्टेटमेंट बोला है आपको, H2 गैसेस STP इज लेस कंप्रेसिबल विद रिस्पेक्ट टू आइडियल गैस। अब देखिए यहाँ पे Z का वैल्यू ज्यादा है, मींस वहां पे गैसेस मॉलिक्यूल क्या होंगे, दूर दूर होंगे, उसमें अट्रैक्शन की टेंडेंसी नहीं है, रिपल्शन की टेंडेंसी है। तो जब आप उसको पास लाने की कोशिश करेंगे तो उसको कंप्रेस करना क्या होगा, आइडियल गैस के रिस्पेक्ट में मुश्किल होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट भी क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर कंप्रेस करना मुश्किल है तो वहां पे उसका कंप्रेसिबिलिटी क्या है, कम है, यानी कंप्रेस होने की टेंडेंसी क्या है, कम है। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या होगा, करेक्ट होगा। थर्ड बोला है, द वंडरवॉल गैस कॉन्स्टेंट ए इज गिवन बाय, थर्ड बोला है वंडरवॉल कॉन्स्टेंट इसके थ्रू दे सकते हैं, पीसी आर टी सी अपॉन 8 PC, इसके थ्रू आप वंडरवॉल कॉन्स्टेंट ए को दे सकते हैं। चेक कर लेते हैं वैल्यू पुट करके। तो यहाँ पे टीसी की और पीसी की वैल्यू पुट कीजिए, टीसी क्या होता है 8A अपॉन 27 RB, और पीसी क्या होगा A अपॉन 27 B2। तो चेक करें, 27 से 27 कैंसिल आउट कर दे, 8 से 8 कैंसिल आउट कर दीजिए, R से R कैंसिल आउट कीजिए, और A से A कैंसिल आउट कीजिए, 1 B से 1 B कैंसिल आउट कीजिए, तो बचा हुआ क्या है यहाँ पे B। तो क्या ये A को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, क्या नहीं कर पा रहा, तो स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। फोर्थ स्टेटमेंट बोला है, द वंडरवॉल कॉन्स्टेंट ए कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय 27 अपॉन 64 इंटू आर स्क्वायर टी सी स्क्वायर अपॉन पी सी के थ्रू आप चेक कर सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे वैल्यू पुट करके, 27 अपॉन 64 इंटू आर स्क्वायर टी सी क्या होता है, 8 अपॉन 27 बी स्क्वायर, सॉरी 8 अपॉन 27 आर बी, तो टी सी स्क्वायर क्या होगा, 8 स्क्वायर ए स्क्वायर अपॉन 27 स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी सी क्या होगा, ए अपॉन 27 बी स्क्वायर। तो जो कैंसिल आउट हो सकता है वो कैंसिल आउट कर दीजिए, यहाँ पर 64 से 8 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा,
27 से 27 स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, बी स्क्वायर से बी और एक ए से एक ए, तो बचा हुआ क्या है यहाँ पर ए, तो जो फोर्थ स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगा। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट होगा, थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 32 आपको बोला है व्हेन 1 लीटर 0.1 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड इज अलाउड टू रिएक्ट विद 1 लीटर 0.1 मोलर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन द कंसंट्रेशन ऑफ सोडियम सल्फेट Na2SO4 दैट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो आपको सोडियम सल्फेट का कंसंट्रेशन और पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन बताना है। तो क्या क्या रिएक्ट कराया जा रहा है H2SO4 के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस इक्वेशन ही लिख रहे हैं, तो Na2SO4 प्लस H2O यहाँ पर बन रहा है। तो H2SO4 कितना है 1 लीटर 0.1 मोलर और NaOH कितना है 1 लीटर 0.1 मोलर। तो यहाँ पे इन दोनों को आपस में रिएक्ट करा रहे हैं, तो इसका 1 लीटर लिया, इसका 1 लीटर लिया, दोनों को मिला दिया, तो फाइनली वॉल्यूम कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 लीटर हो जाएगा। जब आप कंसंट्रेशन निकालेंगे तो आपको ये माइंड में रखना है कि फाइनल वॉल्यूम कितना है 2 लीटर, तो क्योंकि दोनों को मिला रहे हैं तो फाइनल जब रिएक्ट कराना होगा तो दोनों को मिलाना तो पड़ेगा ना, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 लीटर हो जाएगा। अब अगर हम मोलिटी इक्वल टू मोल्स अपॉन की बात, मोल्स अपॉन वॉल्यूम की बात करें, तो मोल्स क्या हो जाएगा मोलिटी इंटू वॉल्यूम, तो मोलिटी इंटू वॉल्यूम से आपको मोल्स मिल जाएगा, तो 0.1 मोल ये है, 0.1 मोल ये है। अब अगर कंप्लीट रिएक्शन करवानी है तो 1 मोल ऑफ H2SO4 की रिएक्शन कितने से होगी, 2 मोल ऑफ NaOH से होगी, तो 0.1 मोल के लिए कितने रिक्वायर्ड होंगे 0.2 मोल, तो इसका मींस NaOH कौन है यहाँ पे लिमिटिंग रिएजेंट है, NaOH हो जाएगा खत्म। तो जितना NaOH है उससे हाफ H2SO4 रिएक्ट होने वाला है, तो 0.1 मोल में से कितना रिएक्ट होगा उसका हाफ 0.5 मोल, तो बचा हुआ कितना होगा H2SO4 0.05 मोल H2SO4 बचेगा, और जितना H2SO4 कंज्यूम हुआ उतना ही Na2SO4 प्रोड्यूस होगा, यानी 0.05 मोल ऑफ Na2SO4 यहाँ पर प्रोड्यूस होने वाला है, राइट। तो यहाँ पे मोस्टली आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Na2SO4 आपको पूछा गया है, तो मोल्स अपॉन वॉल्यूम से आप निकाल सकते हैं, मोल्स ऑफ Na2SO4 कितना है 0.05 अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना होगा 1 लीटर प्लस 1 लीटर 2 लीटर, तो कितना होगा 0.025 मोलर, ठीक है। पीएच निकालना है तो पीएच के लिए आपको H+ का कंसंट्रेशन रिक्वायर्ड होगा, तो H2SO4 से कितना, जितना H2SO4 उससे डबल H+ यहां पर प्रोड्यूस होता है, राइट। तो H2SO4 के कितने मोल्स हैं 0.05, कंसंट्रेशन कितना होगा 0.05 / 2 मोलर इसका कंसंट्रेशन होगा, तो जितना H2SO4 का कंसंट्रेशन उससे डबल H+ प्रोड्यूस होगा, तो 2 * 0.05 / 2 मीन 0.05 मोलर H+ का कंसंट्रेशन होगा, यानी आप इसको 1/20 मोलर भी लिख सकते हैं। तो H+ का कंसंट्रेशन 1/20 है, तो pH कितना होगा नेगेटिव लॉग ऑफ 1/20 या फिर लॉग 20, लॉग 20 क्या होगा लॉग 2 प्लस लॉग 10 यानी 1.3, तो फाइनल pH सॉल्यूशन का कितना होगा 1.3 हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 33 बोला गया है आपको अ करंट ऑफ 5 एम्पियर फ्लोज फॉर 4 आवर्स थ्रू एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कंटेनिंग अ मोल्टन सॉल्ट ऑफ मेटल M, द रिजल्ट इज डिपोजिशन ऑफ 0.75 मोल ऑफ मेटल M एट द कैथोड, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इन मोल्टन सॉल्ट। यस, देखिए कि अगर आप यहां से Ag+ को रिड्यूस करवा रहे हैं तो क्या सिल्वर बनेगा, अगर Cu2+ को रिड्यूस करवा रहे हैं तो क्या बनेगा Cu बनेगा, और Al3+ को रिड्यूस करवा रहे हैं 3 इलेक्ट्रॉन लेके तो क्या बनेगा यहाँ पर Al बन जाएगा, राइट। तो अगर यहाँ पे 1 मोल मेटल को डिपॉजिट करना है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन होगा, अगर 1 मोल मेटल को डिपॉजिट करना है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन होगा, राइट। और अगर 1 मोल सिल्वर को डिपॉजिट करना है तो 3 मोल इलेक्ट्रॉन का कंजप्शन होगा, 3 मोल मीन 3 फेराडे चार्ज का, 2 मोल मीन 2 फेराडे चार्ज का, और यहाँ पे 1 मोल मीन 1 फेराडे चार्ज का। तो 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए जितने फेराडे चार्ज का रिक्वायरमेंट होगा उसके अकॉर्डिंग आप ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर कर सकते हैं। तो अगर 1 फेराडे चार्ज का रिक्वायरमेंट हुआ तो यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, अगर 2 फेराडे चार्ज का रिक्वायरमेंट हुआ तो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, और अगर 3 फेराडे चार्ज का रिक्वायरमेंट हुआ तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा। तो मेटल पे जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है उसके अकॉर्डिंग x फेराडे यहां पर कंज्यूम हो जाएंगे। तो 1 मोल को डिपॉजिट करने के लिए जितने फेराडे रिक्वायर्ड है उतने ऑक्सीडेशन नंबर या उतना ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर प्रेजेंट होगा। तो हम फाइनली यही चेक करेंगे
कि अगर 1 मोल को डिपॉजिट करना है तो कितने फेराड़े यहाँ पर रिक्वायर्ड है, राइट। तो आपको दे रखा है आई कितना दिया 5 एम्पियर, टाइम दिया है 4 आवर, मीन्स 4 × 60 × 60 सेकेंड। तो इतने सेकेंड यहाँ पे आपने 5 एम्पियर करंट फ्लो कराया और 0.75 मोल डिपॉजिट हुए। तो हम क्या बोल सकते हैं, सिंस 0.75 मोल डिपॉजिटेड बाय हाउ मच 4 × 4 क्या होता है, आई क्या होता है, q × t। तो हम यहाँ पे चार्ज देखना चाह रहे हैं, कितना चार्ज रिक्वायर्ड हुआ 4 × 60 × 60 × 5, यानी इतना कूलाम चार्ज यहाँ पर रिक्वायर्ड हुआ। अगर 1 मोल आपको डिपॉजिट करना होता तो 1 मोल के लिए जितना कूलाम, जितना फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड होगा उतना ही उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो अगर 1 मोल डिपॉजिट करना होता तो कितना यहाँ पे चार्ज रिक्वायर्ड होता, 4 × 60 × 60 × 5 / 0.75 में 3/4। तो कैलकुलेट कीजिए, ये 20 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना होगा 80 × 60 × 20। तो आप कैलकुलेट करेंगे तो 96500 कूलाम आपको मिलेगा, राइट। 96500 कूलाम में 1 फेराडे, तो 1 फेराडे चार्ज रिक्वायर्ड है। इसका मींस यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा उस मेटल का, +1 होगा, तभी 1 फेराडे चार्ज का यहाँ पर रिक्वायरमेंट हो रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करें, गिवन है द अनबैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन P4S3 विद नाइट्रेट आयन इन एक्वस मीडियम इज गिवन बिलो। तो रिएक्शन आपको गिवन है, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ P4S3। तो अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर कैलकुलेट करना है तो उसके लिए आपको रिएक्शन को बैलेंस करना होगा। तो अनबैलेंस इक्वेशन P4S3 प्लस NO3 माइनस से क्या बन रहा है, H3PO4 प्लस SO4 2 माइनस प्लस NO। तो रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए आप चेक कीजिए कहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, कहां पे रिडक्शन हो रहा है। नाइट्रेट में नाइट्रेट का ऑक्सीडेशन नंबर +5 होता है, +5 से +2 जा रहा है, मींस यहाँ पे क्या हुआ, इसका रिडक्शन हुआ, ठीक है। यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो फॉस्फरस का +3 है, सल्फर का -4 है, तो ये +3 से कहां पे गया, यहाँ पर +5 में आया है, मीन्स ऑक्सीडाइज हुआ। और ये -4 से कहां पे गया, यहाँ पे +6 में आया है, तो ये भी क्या हुआ, तो ये दोनों रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन की। तो ऑक्सीडेशन की एक रिएक्शन लिखेंगे, एक रिडक्शन की रिएक्शन लिखेंगे। तो P4S3 से क्या बना, H3PO4 प्लस SO4 2 माइनस, राइट। तो पहले हम यहाँ पे ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन को बैलेंस करें, तो यहाँ पे कितना फॉस्फोरस है 4, तो यहाँ पे भी कितना होना चाहिए 4, यहाँ पर कितना सल्फर है 3, तो यहाँ भी कितना होना चाहिए 3। तो फर्स्ट स्टेप क्या होती है, जो भी एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहा है उसको बैलेंस करना है। तो इधर 4 फॉस्फोरस था, इसे 4 से मल्टीप्लाई किया, 3 सल्फर था, इसे 3 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन यहाँ पर नहीं है, यहाँ पे कितना है 16 + 12, कितना ऑक्सीजन हो गया 4 × 4 = 16, 16 + 12 यानी 28 ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन को आप किसके थ्रू बैलेंस करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल के थ्रू, राइट। ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए क्या नेक्स्ट स्टेप आती है, हाइड्रोजन बैलेंस करना बाय H+। इधर कितना हाइड्रोजन है, 56 हाइड्रोजन है, इधर कितना है 12 हाइड्रोजन है, राइट। इतना ही है क्या, राइट। तो यहाँ पे कितना H+ ऐड करना पड़ेगा आपको, 44 H+ आपको ऐड करना पड़ेगा, राइट। अब H+ ऐड कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या आती है, इलेक्ट्रॉन बैलेंसिंग, चार्ज बैलेंसिंग बाय इलेक्ट्रॉन। तो इधर चार्ज कितना है ओवरऑल 0, इधर कितना है यहाँ पे -6 + 44 यानी +38 का चार्ज है। तो यहाँ पे अगर हम 38 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे तो बोथ साइड चार्ज क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमने ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन को बैलेंस कर दिया। सेकंड हम बैलेंस करेंगे रिडक्शन हाफ रिएक्शन, क्या है NO3 माइनस से क्या बन रहा है, NO बन रहा है। तो नाइट्रोजन बोथ साइड बैलेंस है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये कितना होना चाहिए 2H2O यहाँ पर ऐड कर देंगे। इधर कितना हाइड्रोजन 4, तो यहाँ पे 4H+ प्लस चार्ज बोथ साइड बैलेंस होना चाहिए। इधर -1 +4 +3 है, इधर 0 है, तो इधर 3 इलेक्ट्रॉन का एडिशन कर देंगे। तो ये आपको दो इक्वेशन मिल गई, ठीक है। अब दोनों का एडिशन करना है तो दोनों में इलेक्ट्रॉन का फ्लो क्या होना चाहिए, बराबर, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 38 इलेक्ट्रॉन। तो इस इक्वेशन को आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए और इस इक्वेशन को आप 38 से मल्टीप्लाई करके क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, ठीक है। तो पहले हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 3P4S3 प्लस कितना हो गया 74H2O क्या प्रोड्यूस करेगा, 12H3PO4 प्लस 9SO4 2 माइनस प्लस
132H+ RTH 114 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इधर क्या होगा 38NO3- प्लस 152H+ +114 इलेक्ट्रॉन क्या बना लेगा, 38NO प्लस कितना 76H2O। तो नेट इक्वेशन क्या हो जाएगा, यहां पर कैंसिल आउट कर दीजिए कितना आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन में कहीं पर कोई दिक्कत हो रही है क्या, क्या पूछा गया है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ P4H3। तो यहाँ पर आप वाटर मॉलिक्यूल देख लीजिए कितना होना चाहिए, कोई कैलकुलेशन में जरूर मिस्टेक है, 28 × 3 ये सही क्या कैलकुलेशन, यहाँ पर कैलकुलेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है, कितना होगा 84H2O, राइट। तो आप कैलकुलेट कीजिए कितना है यहाँ पर 3P4S3 प्लस 38NO3- प्लस 76H2O, यहाँ पे कितना 84, तो कितना बचेगा 8H2O, 114 इलेक्ट्रॉन से 114 इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट होना चाहिए, 132H+ 152 तो कितना 20H+ से क्या बनेगा 12H3PO4 प्लस 38NO प्लस 9SO4 2-, राइट। तो अब आपसे बस पूछा क्या गया था, पर मोल ऑफ P4H3 कितने वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, तो 3 मोल के लिए कितना है 8 वाटर मॉलिक्यूल, तो 1 मोल के लिए कितना 8/3 ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंज्यूम होगा, तो करेक्ट स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 गिवन है आपको, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टिविटी सेल फिल्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ कंसंट्रेशन 0.2 मोलर इज 120 ओम। तो आपको बोला है कंसंट्रेशन दे रखा है कितना 0.2 मोलर और इसका रेजिस्टेंस दे रखा है आर कितना 120 ओम, ठीक है। द कंडक्टिविटी ऑफ दिस सॉल्यूशन इज के का वैल्यू आपको दे रखा है कितना 1.18 साइमन मीटर इनवर्स यानी ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल, अब दूसरे सेल की बात की गई है, रेजिस्टेंस ऑफ द सेम सेल इज 500 ओम, तो रेजिस्टेंस दे रखा है दूसरे सेल का 500 ओम। द मोलर कंडक्टिविटी आपको लैम्डा एन पूछा गया है ऑफ 0.01 मोलर सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं, तो करेक्ट क्या है इनकरेक्ट क्या है सोचना है, तो लैम्डा एम निकालना है, यूनिट देख लीजिए लैम्डा एम का दे रखा है साइमन मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, तो इसके लिए लैम्डा एम क्या होगा के अपॉन 1000 × मोलरिटी। तो होपफुली आपको यहाँ पर लैम्डा एम का वैल्यू दोनों यूनिट के बेसिस पर क्लियर होगा, अगर यहाँ पे लैम्डा एम के इंटू 1000 / m है तो इसका यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, और अगर ये फॉर्मूला है तो इसका यूनिट क्या होता है ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। तो आपको मीटर स्क्वायर में ऑप्शन दे रखा है तो मीटर स्क्वायर वाला ही फॉर्मूला यूज में लेंगे, यही वाला फॉर्मूला यूज में लेंगे। तो लैम्डा एम के लिए आपको एम का वैल्यू दे रखा है मोलरिटी, के निकालना है, के क्या होगा यहाँ पे 1/r L/a, तो r का वैल्यू तो पता है आपको, L/a यानी सेल कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है। अब बिकॉज सेम सेल की बात की तो दोनों जगह सेल कांस्टेंट क्या होगा सिमिलर होगा, तो हम सेल कांस्टेंट को यहाँ से निकालने की कोशिश करेंगे, तो k कितना होगा 1/r L/a, तो L/a कितना होगा k इंटू आर, तो k कितना दे रखा है यहाँ पे 1.18 और r कितना है 120, तो ये सेल कांस्टेंट मिल जाएगा, इसको यहाँ पे प्लेस कर देंगे तो लैम्डा एम कितना हो जाएगा 1/r L/a, के की जगह हमने क्या किया 1/r L/a पुट किया अपॉन 1000 × मोलरिटी, तो 1/r कितना है 500 × L/a का वैल्यू कितना मिला आपको 1.18 × 120 अपॉन 1000 × मोलरिटी कितना है 0.01, राइट। तो यहां से आप कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा 28.32 × 10⁻³⁰ ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर मोल इनवर्स के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं, बोला गया है फाइंड टोटल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल टेकिंग पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ 5.6 केजी ऑफ डाइबोरेन, तो 5.6 केजी ऑफ डाइबोरेन की बात की गई है। तो पहले हम डाइबोरेन की बात करें, स्ट्रक्चर होपफुली आपको पता होगा, यहाँ पे
तीन हाइड्रोन तीन बोन यहाँ पे हाइड्रोन के साथ बन रहे हैं। किसका? हाइड्रोन का। तीन बोन यहाँ पे हाइड्रोन बना रहा है, यहाँ पे इस बोरोन के साथ भी तीन बोन बना रहा है। अब यहाँ पे ये जो हाइड्रोन है और ये वाला हाइड्रोन है, क्या करते हैं, वेकेंट ऑर्बिटल को यूज में, बोरोन के वेकेंट ऑर्बिटल को यूज में लेते हैं। तो वैसे आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, इनऑर्गेनिक में आप पढ़ा हुआ है, डाइबोरेन में कितने वेकेंट ऑर्बिटल यूज में आते हैं, दो वेकेंट ऑर्बिटल यहाँ पर यूज में आ रहे हैं। तो पर मॉलिक्यूल ऑफ V2H6 कितने वेकेंट ऑर्बिटल, टू वेकेंट ऑर्बिटल यूज में आते हैं। तो अगर हम वन मोल की बात करें, वन मोल में कितने वेकेंट ऑर्बिटल यूज में आएंगे, 2 × NA वेकेंट ऑर्बिटल यूज में आएंगे, बिकॉज एक मोल में NA मॉलिक्यूल होगा। आपको कितना बोला है, 5.6 kg, तो मोल्स कितना होगा, 5.6 kg यानी 5600 upon 28 मींस कितना होगा, 200 मोल। तो एक मोल में इतना है, तो 200 मोल में कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल 2 × NA × 200 मींस कितना हो जाएगा, 400 NA वेकेंट ऑर्बिटल। तो इतने नंबर ऑफ वेकेंट ऑर्बिटल यहां पर प्रेजेंट होंगी। तो आपको बोला गया है, रिपोर्ट योर आंसर इज x/100 वेयर टोटल नंबर इक्वल टू x × NA। तो x × NA क्या है, x क्या हो जाएगा यहाँ पे, 400 हो जाएगा। तो आपको x/100 की फॉर्म में आंसर देना, यानी 400/100 मीन 4। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पे 4 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, फिजिकल का अंतिम क्वेश्चन पूछा गया है। 4n ऑर्बिटल द ग्राफ बिटवीन साई आर एंड आर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, होपफुली आपने देखते ही इसको सही किया होगा। तो ग्राफ गिवन है आपको साई आर का, क्वेश्चन नंबर 39, साई आर का ग्राफ गिवन है आपको किसके साथ, डिस्टेंस के साथ। तो कुछ इस तरह का ग्राफ है, तो देखते हैं आपको ये ग्राफ क्लियर होगा। ये किसका है, वेव फंक्शन का डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे ये और भाई ये जो ग्राफ है वो किसके लिए, हाई वैल्यू से स्टार्ट हो रहा है, मीन सेंटर पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है। तो ये किसके लिए होगा, एस ऑर्बिटल के लिए। क्या यहाँ पे कोई रेडियल नोड है, क्या नहीं है, तो यहाँ पे रेडियल नोड नहीं है। तो कौन से ऑर्बिटल में रेडियल नोड जीरो होता है, n-l-1 0 किस में होता है, ये क्या होता है, रेडियल नोड, नंबर ऑफ रेडियल नोड n-l-1 0 किस में होता है, 1s में। s का l का वैल्यू 0 है, तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, 1। तो 1s में नंबर ऑफ रेडियल नोड क्या होते हैं, 0 होते हैं। तो ये 1s ऑर्बिटल का ग्राफ है। अब आपको क्या बताना है, n+l का वैल्यू बताना है। तो n+l का वैल्यू s ऑर्बिटल के लिए क्या होता है, 0। तो ये वैल्यू, ये सम क्या होगा, n+l 1 के बराबर हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट ऑफ CT03। वो तो देखते हैं पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन शो करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मेजर प्रोडक्ट डिपेंड करेगा जो रिंग पर ग्रुप प्रेजेंट है। अगर बच्चों इस ग्रुप की बात करें तो इसके पास लोन पेयर है, तो ये ग्रुप क्या है बच्चों, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। ठीक है, CH3 जो अल्काइल ग्रुप होते हैं बच्चों, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। ठीक है, हाइपर कंजुगेशन की वजह से ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और OCH3 ग्रुप बच्चों क्या है, रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर एंड रिंग एक्टिवेटर। बच्चों अगर आप देखिए तो प्रोडक्ट मेटा पर बना हुआ है। ठीक है, जो ब्रोमिनेशन हम करवा रहे हैं बच्चों, यहाँ पर ब्रोमिनेशन और प्रोडक्ट बनाया है मेटा, जो कि सही नहीं है। ठीक है, तो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ये नहीं रहा। अगर बच्चों हम इसकी बात करें तो यहाँ पर दो तरीके के ग्रुप है बच्चों, एक NO2 है, एक CN है। तो NO2 भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों, और CN भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। लेकिन इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग जो पावर है बच्चों, वो NO2 का ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू CN। तो बच्चों इस केस में क्या होगा, वेन बोथ ग्रुप्स आर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, देन पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप डिसाइड्स द ओरिएंटेशन ऑफ इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल। तो बच्चों ब्रोमिनेशन यहाँ पर भी होगा, तो पावरफुल जो ग्रुप है वो बच्चों यहाँ पर क्या है, NO2 है, और ये क्या होता है बच्चों, मेटा डायरेक्टर। तो बच्चों ये इलेक्ट्रोफाइल को मेटा पोजिशन पर पहुंचाएगा, तो मेटा पोजिशन विथ रिस्पेक्ट टू NO2 ग्रुप। तो NO2 के रिस्पेक्ट का मेटा पोजिशन ये रहा बच्चों। ठीक है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स आर मेटा डायरेक्टर, और मेटा पर बच्चों इलेक्ट्रोफाइल आके लगेगा। तो ये बात बच्चों बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए, इसमें अगर हम बात करें थर्ड में, तो बच्चों CH3 और BR की बात करें,
तो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, और बच्चों जो ब्रोमीन है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है लेकिन रिंग डी एक्टिवेटर माना जाता है। ठीक है, तो बात करें बच्चों अगर हम यहाँ पर, तो यहाँ पर जो ओरिएंटेशन इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करेगा वो डिसाइड करेगा बच्चों CH3। ठीक है, तो CH3 के ऑर्थो पर ब्रोमीन आएगा, ब्रोमिनेशन करा रहे हैं बच्चों, ये बात भी सही है। नेक्स्ट अगर देखें यहाँ पर दोनों ही हैलाइड हैं, ठीक है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, ठीक है, हेलोजन्स आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर बट रिंग डी एक्टिवेटर, क्योंकि इनका माइनस आई इफेक्ट हम डोमिनेटिंग मानते हैं। तो अगर बच्चों हम यहाँ पर ब्रोमिनेशन की बात करें तो प्रोडक्ट अगर देखें तो ऑर्थो और पैरा पर बनेगा बच्चों, इसको देखें अगर इसके स्टूडेंट देख रहे हैं ये ऑर्थो और ये पैरा पोजिशन इस तरीके से, ये ऑर्थो और ये इसका पैरा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल आया है वो आ गया है बच्चों कहाँ पर, मेटा पोजिशन पर, जो कि सही नहीं है। बच्चों अगर हम देखें तो रिएक्शंस जिनमें प्रोडक्ट सही बना है वो है सेकेंड एंड थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रिएक्शन दिया है और ये रिएक्शन है बच्चों एसिड और अल्कोहल के कॉम्बिनेशन का, जिसको हम बच्चों एस्टरीफिकेशन कहते हैं, एस्टरीफिकेशन रिएक्शन, क्योंकि एस्टर का फॉर्मेशन बच्चों हो रहा है। तो इस रिएक्शन के बारे में आपसे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो बच्चों ये क्वेश्चन पूरी तरीके से रिएक्शन के मैकेनिज्म पर बेस्ड है। तो बच्चों देखिए अगर हम एसिड की बात करें बच्चों, तो CH3C(O) और OH, तो बच्चों ये एस्टर जो एसिड है, ये वाला एसिड जो H+ कैटलिस्ट है बच्चों, ये इससे कंबाइन करेगा और इसका प्रोटोनेशन होगा बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर किस ऑक्सीजन पर ज्यादा पोलर बॉन्ड है, नेगेटिव चार्ज जो होगा इस पर ज्यादा प्रेजेंट होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों इस पर ज्यादा होगी, जिससे ये H+ से आसानी से कंबाइन कर जाएगा और बच्चों हमें मिलेगा CH3OH, और बच्चों यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज क्योंकि ऑक्सीजन के बन गए थ्री बॉन्ड। तो बच्चों देखिए यहाँ पर, तो प्रोटोनेशन अगर हम बात करें तो एसिड और अल्कोहल दोनों हैं, दोनों का ही हो सकता है, लेकिन अगर बच्चों इसमें देखें पोलर बॉन्ड होने की वजह से, C(O) पोलर है, इसकी वजह से H+ जल्दी इससे कंबाइन करेगा, ना कि इस अल्कोहल से कंबाइन करेगा, क्योंकि बच्चों अल्कोहल में भी लोन पेयर है। ठीक है, तो अवेलेबिलिटी या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जिस पर ज्यादा होगी वहां पर ये H+ जो इलेक्ट्रोफाइल है उससे तेजी से कंबाइन करेगा। ठीक है, तो पहले स्टेप तो ये रहा बच्चों। अब देखिए अब ऑक्सीजन पर चार्ज है तो हम इसका एक स्ट्रक्चर देखिए, ये अपने चार्ज को अगर ब्रेक करेगा तो हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा COH और OH, और यहाँ पर आएगा बच्चों क्या, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब बच्चों ये कार्बन जिस पर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, जो कि अपनी डिफिशियंसी को दिखा रहा है, अब इस पर कोई न्यूक्लियोफाइल कंबाइन करेगा, अब न्यूक्लियोफाइल है कौन सा बच्चों यहाँ पर, तो CH3COH और OH, और ये पॉजिटिव चार्ज। अब न्यूक्लियोफाइल दूसरा है क्या बच्चों, अल्कोहल है यहाँ पर, अब ये अल्कोहल से कंबाइन करेगा CH2C2H5OH। बच्चों देखिए इसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये अपना पेयर इसको देगा, इसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ये एसिड कैसा है बच्चों, ये है प्रोटोनेटेड एसिड। ठीक है, तो प्रोटोनेटेड एसिड जो कि डेफिशिएंट है, इस पर न्यूक्लियोफाइल का इसको सपोर्ट मिलेगा, और यही स्टेप बच्चों इसका क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप रिएक्शन के स्लो स्टेप होते हैं। ठीक है, और अब आपको मिलेगा बच्चों CH3OH OH और OH एंड C2H5। ठीक है, तो अब बच्चों देखिए चूंकि ऑक्सीजन ने अपना पेयर डोनेट किया है, ऑक्सीजन के थ्री बॉन्ड बन गए और चार्ज बनेगा बच्चों यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो फिलहाल अगर हम बात करें जो स्टेप लिखा है उस चीज को समझने की कोशिश करें, द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू द प्रोटोनेटेड एसिड इज द RDS। ये बात बच्चों क्या सही है कि प्रोटोनेटेड एसिड में अल्कोहल की एडिशन को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब ये दूसरा स्टेटमेंट जो कि उसका उल्टा लिखा हुआ है, ये चीज गलत हो रही है, क्योंकि एडिशन ऑफ एसिड, एसिड का एडिशन नहीं हो रहा है, अल्कोहल, द एडिशन ऑफ अल्कोहल टू द प्रोटोनेटेड एसिड इज द RDS। ये बात सही है। अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं, वैसे हमारा आंसर यहां से आ जाएगा। अब बात करें कि एस इंक्रीजेस माइनस एम ग्रुप ऑन कार्बोक्सिलिक एसिड, रेट ऑफ एस्टरीफिकेशन रिएक्शन इंक्रीजेस, तो बच्चों ये बात सही है, इसी का दूसरा स्टेटमेंट जस्ट इसका उल्टा है वो बच्चों गलत हो जाएगा। तो इसमें सही आंसर तो आपको 1 और 3 मिल रहे हैं,
अब बच्चों हम इसकी बात करते हैं ये कैसे सही है। तो बच्चों देखिए, एसिड प्रोटोनेशन के बाद कार्बन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है और ये बच्चों क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल के लिए फेवरेबल क्या है, प्लस एम ग्रुप, क्योंकि प्लस एम ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो इसके पास जितना ज्यादा, अल्कोहल के पास जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा उतना तेजी से ये एसिड से कंबाइन करेगा। अब बच्चों अगर हम एसिड की बात करें, चूंकि एसिड डेफिशिएंट है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इस पर अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा दिया, माइनस एम वाला ग्रुप लगा दिया, तो वो इसको सपोर्ट करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर होगा उतनी तेजी से न्यूक्लियोफाइल कंबाइन करेगा और रिएक्शन की रेट बच्चों क्या है, वो इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब अगला स्टेप भी हम इसका समझ लेते हैं, इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का, ठीक है। तो बच्चों हम ये H+ यहाँ से अलग करते हैं और ये एसिड का जो OH है ये कोई इसके H+ को पकड़ लेगा इस तरीके से। बच्चों हमें मिला CH3COH OH2+ एंड OC2H5। अब बच्चों देखिए OH2 ऑक्सीजन पर बच्चों पॉजिटिव चार्ज बना तो H2O लीविंग का काम करेगा बच्चों। तो H2O जब लीव करेगा बच्चों इसको यहां से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बन रहा होगा, ये लोन पेयर अपना इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। तो हमें मिलेगा बच्चों CH3C डबल बॉन्ड OH एंड OC2H5 ये प्लस। बच्चों कैटलिस्ट जैसे लिया है वापस मिल जाएगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, फिर से हमें न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट होगा। जब जब पॉजिटिव चार्ज बनेगा अपने आप को न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करेगा। हमें मिलेगा बच्चों CH3C डबल बॉन्ड O OC2H5। ये बच्चों इस रिएक्शन का मैकेनिज्म है, तो इंपॉर्टेंट बात है बच्चों इसमें रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। और दूसरी बात कर रहे हैं कि माइनस एम ग्रुप अगर इस पर होगा एसिड पर, तो ये पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड बच्चों इंक्रीज करेगा और जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज बनेगा उतनी तेजी से बच्चों न्यूक्लियोफाइल जो कि अल्कोहल है वो इससे कंबाइन करेगा। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें एक रिएक्शन गिवन है और उससे बना हुआ आपको मेजर प्रोडक्ट बच्चों बताना है। तो बच्चों हम समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों हमारे पास है OCH3 एंड C डबल बॉन्ड OH, ठीक है, और हमने लिया है बच्चों SOCl2। बच्चों SOCl2 का काम क्या है, इट कन्वर्ट्स OH इनटू Cl, ठीक है, OH को Cl में चेंज करता है। बच्चों हमें मिलेगा OCH3 C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड बनाया। अब बच्चों देखिए नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH2ONa। बच्चों ये क्या है, एक न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है, ठीक है। तो जब न्यूक्लियोफाइल है और क्लोरीन क्या है बच्चों, ये एक लिविंग ग्रुप है, तो जब न्यूक्लियोफाइल और लिविंग ग्रुप दोनों हैं तब ये बच्चों SN2 रिएक्शन की तरीके से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन होगी बच्चों, जिसको हम SN2TH बोलते हैं, ठीक है। लिविंग ग्रुप के साथ ये बच्चों क्या करेगा, तो जब अटैक करेगा और ये लिविंग ग्रुप को यहां से बच्चों क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, तो सब्स्टिट्यूशन हो गया बच्चों। और हमें मिलेगा C डबल बॉन्ड O और न्यूक्लियोफाइल आकर के लगेगा और न्यूक्लियोफाइल क्या है बच्चों, O CH2 CH3 और ये O CH3 बच्चों ऐसा ही रहेगा। यहां पर जो रिएक्शन हो रही है वो किसकी वजह से हो रही है बच्चों, इस एसिड पर ही पूरी तरीके से दोनों ही रिएक्शंस हो रही हैं, तो जो चेंज होगा वो यहीं पर होगा। बच्चों देखिए ऐसा ऑप्शन अगर हम देखें तो ऐसा आंसर हमें मिलता है बच्चों, आंसर है 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रिएक्शन गिवन है बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का, जो कि मोनोक्लोरिनेशन दिया हुआ है, और इसमें आपको ये बताना है कि स्लोवेस्ट एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा होगा। बच्चों इस क्वेश्चन को करने से पहले हम इस रिएक्शन का मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं, उसी पर ही बेस्ड हमारा ये आंसर आएगा उस पर, ठीक है। बच्चों देखिए, तो हेलोजिनेशन में क्या करते हैं जरा समझने की कोशिश करिए कि RH है और क्लोरीनेशन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, प्रोडक्ट बना बच्चों RCl एंड HCl, ठीक है। तो बच्चों अब अगर हम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर मिथाइल साइक्लोहेक्सेन और प्रोडक्ट भी बना हुआ है। बच्चों आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये वाले हाइड्रोजन को हटा करके क्या आया हुआ है बच्चों, क्लोरीन आया हुआ है, तो हमारा R वाला पार्ट RH, तो R का पार्ट बच्चों क्या है, ये वाला पूरा पार्ट आपका अल्काइल ग्रुप का काम करेगा, ठीक है।
तो बच्चों हम देखने की कोशिश करते हैं इसका मैकेनिज्म समझने की कोशिश करते हैं। तो मैकेनिज्म बच्चों आपको पता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन का थ्री स्टेप का मैकेनिज्म होता है, और पहला स्टेप होता है चेन इनिशिएशन। और चेन इनिशिएशन वाले स्टेप में बच्चों क्लोरीन से क्लोरीन फ्री रेडिकल बनता है बच्चों, होमोलिटिक फिजन है, ये बॉन्ड यहाँ पर टूटते हैं, ठीक है ठीक है। तो क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ, तो यहाँ पर क्लोरीन रेडिकल बनता है क्योंकि क्लोरीन क्लोरीन में यहाँ पर लोन पेयर रिपल्शन की वजह से बच्चों ये बॉन्ड जल्दी टूटता है, तो इनिशिएशन स्टार्ट होता है बच्चों क्लोरीन फ्री रेडिकल के फॉर्मेशन से। अब इसके स्टेप जो नेक्स्ट है वो है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। चेन प्रोपेगेशन स्टेप बच्चों आपका रिएक्टेंट इंटरमीडिएट एंड प्रोडक्ट, तो सीपी का जो स्टेप है जिसको हम बोलते हैं बच्चों चेन प्रोपेगेशन स्टेप, ये दो पार्ट में डिवाइडेड है, सीपी स्टेप वन एंड सीपी स्टेप टू। तो सीपी का स्टेप वन देखते हैं बच्चों, सीपी स्टेप वन। अब इस स्टेप में क्या होगा बच्चों, रिएक्टेंट है आरएच, और इस रेडिकल जो हमने इनिशिएशन स्टेप में बनाया है बच्चों वो आएगा यहाँ पर, इंटरमीडिएट बनता है क्योंकि बच्चों ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन है तो अल्काइल फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। फिर इस केस में देखिए बच्चों फ्री रेडिकल क्या है, इस केस में फ्री रेडिकल जो R वाला पार्ट है बच्चों ये CH3 और H को हटा दीजिए, ये फ्री रेडिकल बना, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा बच्चों, अब ये फ्री रेडिकल R फ्री रेडिकल कंबाइन करता है वापस किससे बच्चों, क्लोरीन से, और बना देगा बच्चों क्या, RCl प्लस Cl रेडिकल। बच्चों ये Cl रेडिकल फ्री हुआ है इसको यहाँ पर यूज करेंगे, ये सीपी का स्टेप टू है, तो सीपी स्टेप वन स्टेप टू बार बार रिपीट होते रहते हैं और इस तरीके से बच्चों प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता रहता है। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि जो पहला स्टेप है इसमें इंटरमीडिएट का बनना, ठीक है, तो इंटरमीडिएट बन रहा है तो यही स्टेप बच्चों क्या है, स्लो है, और रिएक्शन का स्लो स्टेप ही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो आप प्रोडक्ट आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, CH3 रेडिकल, और यहाँ पर बच्चों प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 एंड यहाँ पर आ जाएगा बच्चों क्या, Cl, ठीक है। तो अगर हम बच्चों यहाँ पर देखें कि आपसे पूछा है कि स्लो स्टेप कौन सा है, तो स्लो स्टेप है बच्चों इस रिएक्शन का जिसमें ये रेडिकल बनता है, और अगर हम रेडिकल के बनने की बात करें बच्चों वो है आपके आंसर है बच्चों 4, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल इज द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ दिस रिएक्शन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे पूछा है कि विच कंपाउंड इज हैविंग इवन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर। बच्चों हम स्टीरियो आइसोमर की अगर बात करें तो बच्चों इसमें देखिए, इसमें आपको एक सिस मिलेगा और दूसरा आपको क्या मिलेगा बच्चों इसमें, ट्रांस, ठीक। अब अगर बच्चों सिस की बात करें तो सिस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव है क्योंकि बच्चों इसमें प्लेनर सिमेट्री आती है, ये क्या है बच्चों ऑप्टिकली इनएक्टिव, तो सिर्फ एक ही आइसोमर बनाइए, ठीक है, अकेला ही रहेगा। और बच्चों इसमें देखें तो जो ट्रांस आइसोमर है ये क्या है बच्चों, ये इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। अगर ऑप्टिकली एक्टिव है तो इसके बच्चों R और S इनेंसोमर भी बनेगा, ठीक है, तो इसके बच्चों आपको मिलेंगे दो आइसोमर, ठीक है। तो टोटल अगर हम बात करें तो 2 और 1, तो इस कंपाउंड के 3 आइसोमर मिलेंगे, सिस एंड ट्रांस। ट्रांस इज ऑप्टिकली एक्टिव, हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का बच्चों एक मिरर इमेज बनता है, ये कंपाउंड होगा और इसका मिरर इमेज जो कि एक आइसोमर कहलाएगा, तो ये 2 हो गए बच्चों और ये 1, टोटल मिला 3। सेम तरीके से बच्चों इसकी बात करें तो यहां पर भी वही कहानी है, इसमें सिस और ट्रांस, तो सिस की बात करें तो बच्चों कुछ ऐसा ब्रोमीन एंड ब्रोमीन, एंड ट्रांस की बात करें तो बच्चों कुछ ऐसे ये ब्रोमीन रहा और ये ब्रोमीन है, ठीक है। तो सिस बच्चों क्या है, देखो यहां पर सिस में प्लेन ऑफ सिमेट्री, तो ऑप्टिकली इनएक्टिव अकेला रहेगा, और ये बच्चों क्या है ऑप्टिकली एक्टिव। ट्रांस कोई सिमेट्री नहीं है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, हर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड का मिरर इमेज बनेगा, तो इसमें 1 और ये 2 बच्चों इसके भी 3 हो गए। सेम तरीके से बच्चों इस फोर्थ वाले की बात करें तो जैसे हमने इसमें देखा सिस और ट्रांस, ठीक है, तो सेम तरीके से बच्चों यहां पर बनेंगे इसके 3 आइसोमर्स। अब बच्चों इवन की बात कर रहा है तो अभी ना तो फर्स्ट में मिला, ना सेकंड में, ना ही फोर्थ ऑप्शन में इवन है, इसका मतलब थर्ड आंसर मिल चुका है बच्चों। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो इसमें अगर हम देखते हैं बच्चों तो इसका सिस वाला, सिस और ट्रांस,
किस तरीके से, तो यह है बच्चों सिस और यह है ट्रांस। तो ना तो बच्चों सिस ऑप्टिकली एक्टिव है ना ही ट्रांस ऑप्टिकली एक्टिव है, क्योंकि जब हम इसको यहाँ से ऐसा प्लेन लगाते हैं बच्चों, ये वाला अगर प्लेन लगाएंगे तो ये प्लेन से कट जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये प्लेन से कट जाएगा, ठीक है। तो इसमें बच्चों प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होने की वजह से ये ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। तो सिर्फ बच्चों सिस और ट्रांस जो कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर है वही बनेंगे। इसके आपको मिले बच्चों टू स्टीरियो आइसोमर। आपसे पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैविंग इवन नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर, तो आंसर मिला बच्चों आपको 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, रिएक्शन पर बेस्ड सवाल है जिसमें पूछ रहा है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द मेजर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अगर बच्चों इसमें मेजर प्रोडक्ट की बात करें, इसमें आपको मेजर प्रोडक्ट बना के दिया हुआ है, इसका प्रोडक्ट ये है बच्चों, ये OH18, ठीक है बच्चों। अगर हम इसमें प्रोडक्ट की बात करें तो ये हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है बच्चों, और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन का नेट रिजल्ट आपको पता है बच्चों, नेट रिजल्ट क्या है, एडिशन ऑफ वाटर अकॉर्डिंग टू एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल, नेट रिजल्ट ये है। तो बच्चों इसमें देखें कि यहाँ पर मार्कोनिक ऑफ रूल का फॉलो, एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल फॉलो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रोडक्ट बच्चों ऐसा होना चाहिए था इस तरीके से। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल के हिसाब से बच्चों OH यहाँ लगना चाहिए था जहां पर हाइड्रोजनों की संख्या ज्यादा हो, क्योंकि मार्कोनिक ऑफ रूल क्या बोलता है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट्स एड टू दैट कार्बन विच कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, एंटी में जस्ट उल्टा कर देंगे, जहां पर ज्यादा हाइड्रोजनों की संख्या होगी वहां पर इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट आ जाएगा। तो बच्चों ये प्रोडक्ट जो दिया है वो सही नहीं है। नेक्स्ट अगर देखें बच्चों ऑप्शन 2 की बात करें, तो यहाँ पर हाइड्रेशन हो रहा है बच्चों, तो अगर हम इस हाइड्रेशन में देखें बच्चों, हाइड्रेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो अगर हम बच्चों इसकी बात करें तो आप देखिए एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन है, तो पहले एक इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन बनेगा बच्चों, रिंग के बाहर चार्ज है तो रिंग का एक्सपेंशन होगा, रिंग एक्सपेंड करेगी बाय 1 कार्बन, तो रिंग एक्सपेंड करके बच्चों आपको कुछ ऐसे मिलेगा इस तरीके से, इसको अगर हम कायदे से लिखें बच्चों तो आपको मिला कुछ ऐसा, ठीक है। अब चूंकि कार्बोकैटायन है ये अपने से स्टेबल कैटायन में कन्वर्ट हो सकता है बच्चों, हमें मिलेगा कुछ ऐसे, ये वाला ये कैटायन सबसे स्टेबल कैटायन है। अब वाटर से बच्चों जो OH है वो यहाँ पर आकर के लग जाएगा, तो ये इसका प्रोडक्ट है, जबकि आपको दिया ऐसा है, ठीक है, ये मेजर प्रोडक्ट भी सही मेंशन किया हुआ नहीं है। अब नेक्स्ट रिएक्शन की बात करें बच्चों, तो इसको देखिए, तो ये रिएक्शन है HOBr का एडिशन है बच्चों अल्काइन में, तो अगर हम इसकी भी बात करें बच्चों तो इसको भी हम देख सकते हैं थर्ड ऑप्शन को बच्चों, ये था सेकेंड ऑप्शन जो कि मैच नहीं कर रहा है। अब अगर हम बच्चों थर्ड ऑप्शन की देखें तो बच्चों हम देखते हैं कि HOBr एक एसिड है, तो हम इसका प्रोटोनेशन करेंगे, ठीक है, इस प्रोटोनेशन से हमें मिलेगा बच्चों OH2 और Br, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है इस तरीके से, और यहां से वाटर लीव करेगा और प्लस क्या मिलेगा बच्चों आपको Br+, ठीक है। तो ध्यान देने वाली बात ये है बच्चों, तो HOBr में क्या है H2O एंड Br+, ठीक है, तो Br+ बच्चों इसका इलेक्ट्रोफाइल है और वाटर काम करेगा यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का, ठीक है। तो अगर हम बच्चों देखते हैं तो CH3C(CH) और Br+ है बच्चों, एक साइक्लिक इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है बच्चों इस केस में, ठीक है। अब बच्चों क्या होगा, अब वाटर जो न्यूक्लियोफाइल है इसका अटैक होगा, न्यूक्लियोफाइल अटैक्स एट दैट कार्बन वेयर पॉजिटिव चार्ज इज मोर स्टेबल, तो बच्चों अगर हम देखें तो ये बॉन्ड ऐसे ब्रेक होना चाहेगा क्योंकि इस पर बना हुआ चार्ज ज्यादा स्टेबल रहेगा, तो न्यूक्लियोफाइल उस कार्बन पर अटैक करेगा जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो बच्चों, ठीक है। अब वाटर से अटैक करने वाला पार्ट आपको जानते हैं बच्चों, पूरा मैकेनिज्म हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है कि वाटर से जो पार्ट आता है वो क्या है OH आता है, तो हमने लिखा बच्चों यहाँ पर CH3 और बच्चों ये OH, ठीक है, और डबल बॉन्ड CH
एंड बी आर, ठीक है। इस तरीके से अब बच्चों में डबल बॉन्ड आया है, एक बार एडिशन और होगा यहां पर एच ओ बी आर का। उसी तरीके से बच्चों जैसे हमने इस मैकेनिज्म को एक्सप्लेन किया है, सेम तरीके से हम आगे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमें मिल जाएगा बच्चों सी एस थ्री, फिर से वही पार्ट जहां पर OH लगा है दूसरा OH वहीं पर आ जाएगा और सी एच बी आर टू, ठीक है बच्चों। एक ही कार्बन पर दो OH ग्रुप लगे हुए हैं, ये क्या कर लेगा यहाँ से बच्चों H2O को रिमूव कर लेगा। H2O को रिमूव करने के बाद हमें मिलेगा बच्चों सी एस थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच बी आर टू। अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर इस रिएक्शन में प्रोडक्ट बच्चों सही मेंशन किया हुआ है। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखते हैं बच्चों तो इसका भी मेजर प्रोडक्ट बनाया हुआ है, उसको भी देख लेते हैं। तो इसका मेजर प्रोडक्ट है बच्चों वन ब्यूटेनॉल, ठीक है। तो बच्चों अगर हम यहाँ पर देखें तो ये अल्काइन में हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवा रहा है। एंटी मार्कोनी का रूल के हिसाब से अगर हम बच्चों देखें तो यहाँ पर आएगा एच, यहाँ पर आएगा ओ एच। बच्चों इसके हिसाब से देखिए बच्चों सी एस थ्री सी एस टू सी एच डबल बॉन्ड सी एच और ओ एच। तो बच्चों ये इनॉल बन गया, तो इस तरीके का इनॉल अनस्टेबल होता है, ये टोटोमराइज कर जाएगा। तो टोटोमराइज करके बच्चों ये चेंज हो जाएगा एल्डिहाइड में, तो सी एस थ्री सी एस टू सी एस टू सी एच ओ। तो इसका प्रोडक्ट ब्यूटेनॉल नहीं है, ब्यूटेनल है ना, 1 2 3 4 कार्बन है और ये एल्डिहाइड बना है, ये भी सही नहीं रहा। तो बच्चों अगर हम देखें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन यहाँ पर मेंशन की हुई है और इसमें आंसर सही है बच्चों 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैसे पूछा है अरेंज इन इंक्रीजिंग रेट ऑफ रिएक्शन टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के रिएक्शन में आपको पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ग्रुप्स। बच्चों रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर ऑफ ग्रुप, क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस रिएक्शन की रेट को बढ़ाते हैं, क्योंकि जो बच्चों इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो रिजल्टेंट एरिनियम आयन है जो कि कैटायन होता है बच्चों, वो उस कैटायन को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज करते हैं, ठीक है बच्चों। तो अगर हम बात करें यहां पर देखिए बच्चों ये सी डबल बॉन्ड ओ ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करता है, तो पुल करने से बच्चों ये क्या है इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है और ये भी इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है। एंड इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप डिक्रीजेस रेट ऑफ रिएक्शन, क्योंकि बच्चों ये बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ पुल करेंगे तो रिंग को डेफिशिएंट बनाएंगे और इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है बच्चों Br+ वो फिर कंबाइन नहीं कर पाएगा, क्योंकि डेफिशिएंट ये खुद है पर रिंग भी डेफिशिएंट है, दोनों पर रेट ऑफ रिएक्शन बच्चों स्लो हो जाएगा। अगर बच्चों यहाँ पर बात करें तो एक तरफ देखिए बच्चों ये लोन पेयर से जुड़ा हुआ है, लोन पेयर से जुड़ा हुआ ग्रुप बच्चों क्या होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है और ये बच्चों क्या है ये इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिंग पर बढ़ाएगा और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का होना वो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन के लिए बच्चों फेवरेबल होता है। अब बच्चों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर तो दोनों ही तरफ क्या है बच्चों इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ठीक है। अगर हम सी की बात करें बच्चों सी में रेट ऑफ रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अब बच्चों अगर हम बी में बात करें इसके बाद बी का नंबर लगेगा क्योंकि बी में एक तो कम से कम डोनेटिंग ग्रुप है, लेकिन जो ए है बच्चों इसमें दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्राइंग ग्रुप होने की वजह से ये रेट में सबसे पीछे रहेगा। तो अगर हम बच्चों ऐसा ऑप्शन देखें तो ए फिर बी एंड सी, ठीक है बच्चों हमें आंसर मिला सी का रेट सबसे ज्यादा होगा और ए का रेट सबसे कम होगा, ठीक है। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उसमें करेक्ट स्टेटमेंट हमसे पूछ रहा है। तो बच्चों साइक्लोहेक्सेन अकायरल होता है लेकिन इसका ट्विस्ट बोर्ड जो कन्फॉर्मर है वो कायरल होता है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं मिलती, ठीक है। नेक्स्ट है जो सेकेंड स्टेटमेंट है, हाइड्रोक्सी ग्रुप्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन 1.3 डायोल मेनली एग्जिस्ट एट एक्सियल पोजिशन। तो बच्चों अगर हम इसमें बात करें कि एक्सियल की बात करें बच्चों इसमें हम तो हमें कुछ ऐसे मिलता है बच्चों कि ये OH और ये OH अगर ये 1-3 पोजीशन पर होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि एक्सियल पोजीशन पर अगर हैं 1-3 में अगर ये एक्सियल पोजीशन पर हैं बच्चों तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसको ये स्टेबलाइज करते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी बच्चों सही है कि नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि इक्वेटोरियल पर प्रेजेंट सब्स्टिट्यूएंट वो
ज्यादा स्टेबलाइज करते हैं साइक्लोहेक्सेन को, ठीक है। लेकिन बच्चों अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो ये जो डायोल के केस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने की वजह से बच्चों इसका एक्सियल जो कंफर्मर है वो स्टेबल होता है, ठीक है, ये भी सही है। अब बात करें द चेयर फॉर्म ऑफ साइक्लोहेक्सेन इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। तो हम बच्चों पढ़ते हैं चेयर है, बोट है, ट्विस्ट बोट है, ठीक है, तो उनमें से सबसे ज्यादा जो स्टेबल जो कन्फॉर्मर है वो चेयर होता है, और हाफ चेयर जो बनता है वो सबसे अनस्टेबल कन्फॉर्मर है। बच्चों ये स्टेटमेंट भी सही है, तो इसमें सही है सभी 1, 2 एंड 3। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 48, जिसमें एक रिएक्शन गिवन है और उसका मेजर प्रोडक्ट बच्चों हमें बताना है। बच्चों यहाँ पर देखिए कि एल्किल हैलाइड और मेटल है मैग्नीशियम। बच्चों एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ RMgX का फॉर्मेशन करता है, तो इसमें बच्चों मेटल बीच में अल्काइल और हेलोजन वाले बॉन्ड के बीच में मेटल आ जाता है, फॉर्मेशन होता है बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट का, और बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। अब बच्चों देखिए बात करते हैं अगर आगे एल्डिहाइड की, बच्चों ये RMgX जब एल्डिहाइड से कंबाइन करता है जो कि है बच्चों RCHO, बच्चों ग्रिगनार्ड रिएजेंट में R माइनस होता है MgX प्लस, ठीक है, क्योंकि कार्बन जो कि अल्काइल ग्रुप है और मेटल का बॉन्ड में मेटल पर पॉजिटिव चार्ज होगा और R पर नेगेटिव चार्ज होगा, और R पर प्रेजेंट नेगेटिव चार्ज बच्चों न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। और बच्चों इसको देखें कि ये पोलर बॉन्ड है, इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज बनेगा और ये इस पर अटैक करेगा। बच्चों यहाँ पर जो रिएक्शन होगी वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, ठीक है, तो RCHR आएगा और बच्चों मिलेगा क्या आपको O माइनस। अब बच्चों ये O माइनस आगे हाइड्रोलिसिस जब होता है बच्चों इस तरीके से हो या बच्चों NH4Cl ले लें एक्वस, ठीक है, तो बच्चों NH4Cl वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड का सॉल्ट है, इस तरीके से हो सकता है, या हम बच्चों H+ H2O लिखें या बच्चों H3O+ लिखें, ये सब एक ही बात है, और इसको बच्चों जरूरत है प्रोटॉन की जो कि इस एसिडिक मीडियम से मिल जाएगा और हमें मिलेगा बच्चों RCHOH and R। बच्चों ध्यान दीजिए जब एल्किल हैलाइड है और एल्डिहाइड है तो प्रोडक्ट अल्कोहल होगा, बच्चों यहाँ पर भी है। अच्छा देखिए बच्चों यहाँ पर एल्किल हैलाइड और एल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम, पूरा ओवरऑल ग्रिगनार्ड का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन की बात हो रहा है, बच्चों यहाँ पर भी प्रोडक्ट अल्कोहल ही बनेगा जो कि ऑप्शन में है बच्चों 3 और 4। तो बच्चों ये तो ऑप्शन रहे नहीं क्योंकि इनमें हाँ बच्चों ये सेकेंड ऑप्शन में भी अल्कोहल है, तो सेकेंड थर्ड और फोर्थ में से कुछ हो सकता है एक हमें सही आंसर मिले। अब बच्चों अगर हम यहाँ पर बात करें तो हैलाइड और एल्डिहाइड सब एक ही जगह पर है, ये इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन होगी और इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन में साइक्लिक प्रोडक्ट बनता है जो कि बने हुए हैं यहाँ पर। तो बच्चों हम बनाने की कोशिश करते हैं, देखिए जो पहला प्रोडक्ट है C double bond OH, इस पे हमने अगर मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाई इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, बच्चों देखिए हमें मिलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए ये है CH2 MgBr, तो ग्रिगनार्ड का फॉर्मेशन होगा। अब बच्चों ये जो नेगेटिव चार्ज है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, इस बॉन्ड को ऐसे तोड़ेगा, तो एक साइक्लाइजेशन होगा, एक 5 मेंबर रिंग की फॉर्मेशन होगी। बच्चों रिंग देखिए 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 मेंबर रिंग का एक साइक्लाइजेशन साइक्लिक रिंग का फॉर्मेशन होगा बच्चों कुछ ऐसे। तो देखिए इस तरीके से, तो 1, 2, 3, 4, 5 आप नंबर लिख सकते हैं ताकि ये जो O माइनस है इसका सही पोजीशन बताया जा सके। बच्चों हमने रिंग को लिखा है 3, 4 और ये बच्चों 2 और ये 1, ठीक है, और 5 वाला जो कार्बन है उससे ऑक्सीजन जुड़ा है बच्चों, तो ये रहेगा क्या O माइनस। अब जो अमोनियम क्लोराइड है बच्चों, जो अमोनियम क्लोराइड एक्वस है, इसमें चूंकि ये एसिडिक सॉल्ट है तो H प्लस प्रेजेंट रहेगा और ये इसको बच्चों चेंज कर देगा किसमें, OH में चेंज कर देगा, इस तरीके से OH में कन्वर्ट कर देगा ये। बच्चों ये इसका सही प्रोडक्ट है और ऐसा जो अरेंजमेंट है बच्चों आपको ये ऑप्शन 3 में दिया हुआ है, आप बिल्कुल मैच करा सकते हैं। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में बच्चों देखिए यहाँ भी 5 मेंबर रिंग बनी है, यहाँ पर भी 5 मेंबर रिंग का फॉर्मेशन हुआ है और OH
कि जो पोजीशन है वो बदली हुई सी लग रही है, तो आपको सही नंबरिंग करके हमें सही पोजीशन हम पता कर सकते हैं, तो इसमें आंसर मिला आपको 3। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें पूछा है विच आर द फॉलोइंग रिएक्शन शो करेक्ट मेजर प्रोडक्ट। वो जो कुछ रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाकर के दिया हुआ है और हमें यह बताना है कि किसमें से बने हुए प्रोडक्ट सही तरीके से लिखे गए हैं। बच्चों देखिए यहाँ तो ठीक है टोलवीन है बच्चों, क्लोरीनेशन करवा रहे हैं तो फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों लाइट या हीट की प्रेजेंस में। यहाँ पर बच्चों फॉर्मेशन होगा बेंजाइल क्लोराइड का CH2Cl। अब बच्चों आप देखिए CH2Cl और बेंजीन है और AlCl3, ये बच्चों फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन है बच्चों। इस फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन में फ्री रेडिकल इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होता है बच्चों। अब ये तक ये बेंजीन और CH2 इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। तो बच्चों इसका जो इलेक्ट्रोफाइल है वो बेंजाइल कैटाइन बनेगा बच्चों और बेंजाइल कैटाइन बेंजीन से जाकर के अटैच हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए फिर से ब्रोमीन के साथ हीट कर रहे हैं, ये जो प्रोडक्ट बनाए ये बच्चों सही नहीं है। तो ब्रोमीन के साथ हीट करते हैं जब, ठीक है, ये फिर से बच्चों फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। अगर यहाँ पर कैटलिस्ट लिखा होता, यहाँ पर अगर इस तरीके से लिखा होता बच्चों ब्रोमीन के साथ Fe वगैरह लिखा होता तभी ये प्रोडक्ट बनता। हीट किया जा रहा है, हीट करने से फ्री रेडिकल बनते हैं और फ्री रेडिकल का सब्स्टिट्यूशन बच्चों इस कार्बन पर होगा क्योंकि यहाँ पर बना हुआ रेडिकल स्टेबल होता है। तो इसका जो प्रोडक्ट बच्चों हीट करके जो बना रहा है वो ये होना चाहिए था CHBr एंड CH, ये जो रिंग है बेंजीन, ठीक है, तो ये इसका प्रोडक्ट है ना कि ये, तो ये सही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। दूसरी बात करें बच्चों यहां पर भी ये फ्रीडलक्राफ्ट का असाइलेशन रिएक्शन है और यहां पर बच्चों नाइट्रोबेंजीन लिया गया है। नाइट्रोबेंजीन बच्चों फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में सॉल्वेंट का काम करता है और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अगर प्रेजेंट है तो फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं देते हैं। यहां पर बच्चों ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्या है ये कंडीशन है बच्चों नो रिएक्शन वाली, तो इसमें प्रोडक्ट बना दिया है, ये भी सही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ये भी नहीं रहा आंसर। अब बच्चों नेक्स्ट बात करें यहां पर क्या ये प्रोडक्ट बना हुआ सही है, तो बच्चों फिर से वही बात करें फ्रीडलक्राफ्ट अल्काइलेशन का रिएक्शन है, एल्किल हैलाइड AlCl3 के प्रेजेंस में बेंजीन के साथ कंबाइन करता है, तो आपको पता है बच्चों फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन में कैटायन बनता है और यहां कैटायन कुछ ऐसा बनेगा इस तरीके से। अब इससे स्टेबल कैटायन बना सकते हैं बच्चों, तो 1,2 मिथाइल शिफ्ट होगा और मिथाइल शिफ्ट से हमें मिलेगा कुछ ये इस तरीके का कंपाउंड। बच्चों देखिए ये इलेक्ट्रोफाइल है और ये बेंजीन, तो इलेक्ट्रोफाइल जब बेंजीन से कंबाइन करेगा बच्चों तो ये इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन में चिपका देना है, तो इसका प्रोडक्ट मिलेगा बच्चों आपको कुछ ऐसा। बच्चों इस रिएक्शन का प्रोडक्ट ये है ना कि ये, तो ये भी सही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं रहा। अब बच्चों बात करें अगर हम ऑप्शन 4 की, तो एक ही ऑप्शन बच्चा है, सिंगल ऑप्शन करेक्ट है, ये आंसर सही है। बच्चों फ्रीडलक्राफ्ट रिएक्शन यहां पर भी हो रही है, फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन का रिएक्शन ये भी है और इस फ्रीडलक्राफ्ट असाइलेशन में देखिए तो बच्चों ये यहां से टूटता है, ठीक है, अगर हम इसके मैकेनिज्म से देखें तो आपको पता है बच्चों ये ऐसा बॉन्ड टूटेगा और यहां पर हमें मिलेगा बच्चों डबल बॉन्ड ओ ये प्लस और ये वाला जो पार्ट है बच्चों ये एसिड में चेंज हो जाता है सी डबल बॉन्ड OH। अब बेंजीन में इसको लगाना है, तो हम बेंजीन में अगर हम इसको लगा दें तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, तो बेंजीन के साथ जब अटैच करेंगे तो सी डबल बॉन्ड ओ और ये CH और CH का डबल बॉन्ड है, CH डबल बॉन्ड CH एंड सी डबल OH। प्रोडक्ट की बात करें तो बच्चों ये PH हो गया, तो PH सी डबल बॉन्ड ओ CH डबल बॉन्ड CH एंड सी डबल OH, ठीक है बच्चों सही प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जिसमें एक रिएक्शन गिवन है उसकी मैकेनिज्म के स्टेप के बारे में बात कर रहा है कि विच आर द फॉलोइंग स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। बच्चों एक रिएक्शन गिवन है तो आप देखिए HBr की एडिशन हो रही है एल्किन पर इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड। बच्चों ये एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल
जिसको हम परोक्साइड इफेक्ट या क्रास इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों देखिए, आपको पता होगा कि जब परोक्साइड लेते हैं तो परोक्साइड के प्रिंस में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, और फ्री रेडिकल जो इंटरमीडिएट बनता है बच्चों यहाँ पर देखिए, तो ये कैटाइन का फॉर्मेशन कर रहा है, तो कैटाइन इसमें नहीं बनता, ठीक है। इन द प्रिंस ऑफ परोक्साइड फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, फ्री रेडिकल एडिशन है बच्चों ये, तो कैटाइन का कहीं कहीं से मतलब इसमें दूर दूर तक वास्ता नहीं है। अब देखिए बच्चों, कैटाइन की बात करें अगर, तो कैटाइन तो फॉर्मेशन नहीं करता है। अगर रेडिकल की बात करें बच्चों, तो फ्री रेडिकल जो सब्स्टिट्यूशन है स्टेबल रेडिकल के थ्रू होता है, और स्टेबल रेडिकल बच्चों ये 2 डिग्री का है, तो 2 डिग्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है। ये इस रिएक्शन के मैकेनिज्म का स्टेप हो सकता है। चलो चेक कर लेते हैं इसके मैकेनिज्म से। बच्चों अगर हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म की बात करें, तो बच्चों फ्री रेडिकल रिएक्शन में सबसे पहला स्टेप चेन इनिशिएशन का होता है, क्योंकि बच्चों हमने परोक्साइड लिया हुआ है, ठीक है। तो परोक्साइड पहले बच्चों ये लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो चेन इनिशिएशन का स्टेप है, इसमें एक रेडिकल का फॉर्मेशन होगा, एल्कोक्सी रेडिकल बना बच्चों इस तरीके से, ठीक है। तो लोन पेयर रिपल्शन की वजह से ये वाला बोन टूटेगा। अब बच्चों देखिए, ये आरओ रेडिकल कंबाइन करेगा बच्चों HBr के साथ, जो रिएजेंट हम यूज कर रहे हैं, तो इसके साथ बच्चों ये H खींच लेगा, ROH और Br रेडिकल का फॉर्मेशन होगा। अब बात करते हैं बच्चों चेन प्रोपेगेशन स्टेप की। तो CP का जो स्टेप 1 है, उस स्टेप में देखिए बच्चों CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अब ये रेडिकल जो बना है ये कंबाइन करेगा बच्चों, इस रेडिकल से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो एक रेडिकल जो बनेगा आपको स्टेबल रेडिकल बनाना है, तो CH3 CH CH2 Br इस तरीके से बच्चों ये 2 डिग्री का रेडिकल स्टेबल होगा, ठीक है। और रेडिकल इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन हो रहा है बच्चों, ये इस रिएक्शन का स्लो एंड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। और यही स्टेप आपको बच्चों यहाँ पर लिखा गया है, CH3 CH रेडिकल एंड CH2 Br, ठीक है। अब दूसरा स्टेप की बात करें बच्चों, तो CH3 CH जो इंटरमीडिएट बन रहा है CH2 Br फिर से रिएजेंट से कंबाइन करके बच्चों ये बना देगा, इसको जरूरत है सिर्फ एच की, तो एच आएगा बच्चों यहाँ पर CH3 CH2 एंड CH2 Br, और Br रेडिकल बच्चों फिर से फ्री हो जाएगा, यहाँ से उत्पन्न हो जाएगा। अब इसको हम इस स्टेप में फिर से यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये CP के स्टेप 1 और स्टेप 2 बार बार रिपीट होते रहते हैं, इस तरीके से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है। तो बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा सवाल था इन रिएक्शन की मैकेनिज्म पर बेस्ड। हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दक्षिणा क्लासरूम चैनल। मेरा नाम है सोनू प्रताप और वापस मैं आपका स्वागत करता हूँ इस चैनल पे। हम लोग ने CT3 मेंस देख रहे हैं, और CT3 मेंस में हमने फिजिकल और ऑर्गेनिक क्वेश्चंस देखे। अब हम देखेंगे इनऑर्गेनिक क्वेश्चंस, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, और जो भी क्वेश्चंस थे बहुत ही आसान क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछे गए थे, है ना। इस बार कमी टॉपिक्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन और आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ये क्वेश्चंस आप लोगों को आने चाहिए, सिंपल क्वेश्चंस हैं, डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं है। चलिए देखिए, CT3 मेंस है ना, क्या क्वेश्चन थे, है क्वेश्चन सीक्वेंस में नहीं होंगे जिस हिसाब से आपको मिले हैं, लेकिन फिर भी चलिए। क्वेश्चन नंबर वन में आपसे पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कॉन्फिगरेशन, कौन सी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज ऑफ कॉन्फिगरेशन कॉन्फिगरेशन द कॉन्फिगरेशन इज σ1s2 and σ*1s1। ये पूछा गया कौन सी स्पीशीज में कॉन्फिगरेशन होगी यार, ठीक है। और ऑप्शन आपको दे रखा है, ऑप्शन ए दे रखा है आपको, फर्स्ट दे रखा ऑप्शन H2+, सेकेंड ऑप्शन दे रखा आपको H2-, थर्ड ऑप्शन दे रखा आपको HE2+, है ना, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा आपको HE2, फोर्थ ऑप्शन दे रखा आपको HE2, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जहां पर आपसे पूछा गया कि कौन कौन से आंसर होगा। अब आपसे बोले देखो, ध्यान से अगर देखोगे तो ये 1 लिखा हुआ है और यहां पर 2 लिखा हुआ है, मींस ऑटोमेटिकली कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज ढूंढनी है कौन सी होगी। जब इसकी बात करते हैं तो दिस इज व्हाट, दिस इज अ
कितने इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, अगर आप ध्यान से देखो तो एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन होता है, दूसरे हाइड्रोजन में दो, अगर प्लस कर देंगे तो एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, दिस इज अ वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दिस इज अ टू इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, दिस सॉरी ये थर्ड था ऑप्शन है ना, दिस इज अ थ्री इलेक्ट्रॉन स्पीशीज एंड दिस इज अ फोर इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। अब अगर आप ध्यान से देखो तो थ्री इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन सी है इसमें से, यही है, तो यही आपका आंसर होगा, जहां पर आपसे पूछा गया है कि कौन सा आपका आंसर होगा, ये वाला सिग्मा 1s2 और सिग्मा स्टार 1s में, है ना। चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ आयरन, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर टू में, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द फॉलोइंग नॉट ओर ऑफ आयरन, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ओर ऑफ आयरन, कौन सा नहीं होता ओर ऑफ आयरन का बेटा, बहुत सिंपल है ये तो, आप खुद भी बता सकते हो कि ऑप्शन में ना एक ऑप्शन में दे रखा है कैलामाइन, ठीक है, कैलामाइन, और कि कैलामाइन जो है ये जिंक का ओर होता है, आयरन का ओर नहीं होता, ठीक है। तो इसमें बाकी क्या दे रखा है आपको, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिडराइट, ये सारे दे रखे हैं, और साथ में क्या दे रखा है कैलामाइन, कैलामाइन किसका होता है, कैलामाइन इज अ मेडिसिन ऑल्सो, ठीक है, एंटीप्योरेटिक है, ठीक है। तो आपको कैलामाइन क्या हो जाएगा, जिंक, जिंक की फॉर्म में इसको जिंक होता है, ना कि आयरन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन में मैच द कॉलम दे रखा है, तो मैच द कॉलम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर थ्री है ना, क्वेश्चन नंबर थ्री मैच द कॉलम बनाते हैं, आपको दे रखा है पहला लिस्ट में साइनाइड प्रोसेस है आपके पास, ठीक है, इसको उन्होंने ए दे रखा है, फिर बी दे रखा है आपको, सॉरी इसको उन्होंने वन दे रखा है, फिर बी सेकेंड दे रखा है आपको यहां पर फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्रॉथ फ्लोटेशन ऑब्वियसली, फ्रॉथ फ्लोटेशन है ना, थर्ड दे रखा है आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, और फोर्थ दे रखा है आपको जोन रिफाइनिंग, ठीक है, और ऑप्शंस में आपको दे रखा है ए अल्ट्रा प्योर जीई, बी ऑप्शन में देखा है पाइन ऑयल, सी ऑप्शन में देखा है आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम, और डी ऑप्शन में देखा आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ एयू। अब यहां से आप सिंपली बता सकते हैं क्या क्या होगा, आप सिंपल सी समझिए, जो साइनाइड प्रोसेस है वो दो ही चीजों के लिए यूज होता है, एक होता है सिल्वर और एक होता है गोल्ड, दो ही चीजों के लिए होता है, तो डेफिनेटली फर्स्ट का क्या होगा, डी, फर्स्ट का डी होगा, है ना, फर्स्ट का क्या होगा डी, सेकंड फ्रॉथ फ्लोटेशन में क्या यूज होता है पाइन ऑयल, तो सेकंड हो गया, सेकंड का सेकंड, फिर थर्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन में क्या यूज होता है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एल्यूमिनियम का होता है, और जोन रिफाइनिंग किसके लिए होती है, सेमी कंडक्टर्स के लिए होती है, तो क्या हो जाएगा अल्ट्रा पॉवर प्योर जीई। तो इस तरह से आप माफ कर देंगे कि फर्स्ट का है ना, यहां पर माफ कर देंगे ऑप्शन नंबर टू था, ऑप्शन नंबर टू था जो सही था, ऑप्शन नंबर टू था जो सही था, फर्स्ट का डी दे रखा था, सेकेंड का बी दे रखा था, थर्ड का सी दे रखा था, और फोर्थ का ए दे रखा था, ये ऑप्शन दे रखा था आपको, तो ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, है ना। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, फ्रॉथ फ्लोटेशन में आप क्या यूज करते हो पाइन ऑयल, ठीक है। अच्छा जोन रिफाइनिंग किसके लिए यूज होती है, सेमी कंडक्टर्स के लिए, तो जी की जगह कुछ और भी होता तो भी वहां पर हो सकता था, ठीक है। अच्छा इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन किसके लिए होता है, एक्सट्रैक्शन, कौन सा मेथड होता है, हॉल हेरॉल्ड प्रोसेस, कौन सा मेथड होता है, हॉल हेरॉल्ड मेथड प्रोसेस, अच्छा एक्सट्रैक्शन है ना। और अगर रिफाइनिंग की बात करें तो रिफाइनिंग में यूज होता है हूप्स मेथड, रिफाइनिंग में यूज होता है हूप्स मेथड, और साइनाइड प्रोसेस तो किसके लिए होता है, कॉपर गोल्ड और सिल्वर के लिए, है ना। चलिए नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर थ्री हो गया है ना, क्वेश्चन नंबर फोर की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दे रखा था, है ना, और ये किसका ग्राफ है, मेटलर्जी का ग्राफ है, जहां पर आपको कार्बन का रिडक्शन दे रखा है, तो आपसे पूछा गया कि इसमें से कौन सा ग्राफ ऐसा होगा जो लिक्विड स्टेट से पास करा होगा। अब बात समझना जब हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, तो मैं इस ग्राफ को वैसे तो इसमें थोड़ा सा गलत ग्राफ बना रखा है, ऐसे होना चाहिए, है ना, उसने नीचे पैरा बना दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आप समझने की कोशिश करना। देखो ये वाली स्टेट, पहली वाली जो स्टेट होगी जो जीरो से आ रही है, वो यूजुअली कौन सी होती है, सॉलिड फॉर्म, सॉलिड फॉर्म, तो सॉलिड मेटल किसमें कन्वर्ट हो रहा होता है,
गैसियस मेटल मेटल ऑक्साइड में, सॉरी मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप यहां से पॉइंट अगर एरो ऊपर कर दो तो यहां यहां से आ जाएगा मेटल लिक्विड फॉर्म, और वो किसमें कन्वर्ट होगा, मेटल ऑक्साइड में, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और फिर स्लोप बढ़ जाए तो क्या हो जाता है, यहां पर आ जाता है आपके पास मेटल गैसियस फॉर्म, और मेटल गैसियस फॉर्म किसमें कन्वर्ट होती है, मेटल ऑक्साइड में। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर जब भी आपका जो इनिशियल मेटल है, जो रिएक्टेंट है, उसका स्टेट चेंज हो रहा है, तब तब जाके क्या होता है, तब स्लोप में इंक्रीमेंट आता है। तब स्लोप में कैसा होता है, कभी ऐसा फिर ऐसा फिर ऐसा, ठीक है, इंक्रीमेंट आता है। अब ये बोला कार्बन रिडक्शन इन इट्स लिक्विड स्टेट, तो कौन सा लिक्विड स्टेट में होगा, यहां से पास करनी चाहिए, है ना। तो मतलब कार्बन रिडक्शन अगर कर रहा है तो कुछ इस तरह से पास करना चाहिए, है ना, कुछ इस तरह से पास करना चाहिए, क्योंकि यहां पर सॉलिड आ जाता है, इस पॉइंट के इधर पे सॉलिड और इस पॉइंट के इधर पे गैसियस, व्हिच मींस इन दो पॉइंट के बीच में होना चाहिए। अब ऐसा कौन से पॉइंट पे हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा हो रहा है, ऑप्शन नंबर 3 में ऐसा हो रहा है जहां पर वो इस पॉइंट, ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट है, इसके बीच से पास कर रहा है, और इस बीच पे क्या होगा, लिक्विड होगा, है ना। ऊपर पे क्या होगा इसके, गैसियस, और नीचे पे क्या होगा इसके, सॉलिड। ये चीज ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट करेगी। तो याद रखो अगर यहां से शुरू हो रहा है तो जनरली क्या होगा, क्योंकि ये जो टेम्परेचर है 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री तो जनरली यहां पर क्या होगा, यहां पर जनरली होगा आपका, आपका होगा यहां पर सॉलिड फॉर्म, और सॉलिड फॉर्म क्या, इस टेम्परेचर पे यहां पर क्या हो जाएगा, लिक्विड फॉर्म, और इस टेम्परेचर पे यहां पर क्या हो जाएगा, गैसेस फॉर्म, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन क्वेश्चन ये इंटीजर है, इंटीजर पूछा गया है ना, इंटीजर पूछा गया, तो पूछा गया कि 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड, 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है, 1 मोल ऑफ कैल्शियम नाइट्राइड ऑन रिएक्शन विद विद एक्सेस ऑफ वाटर गिव्स, क्या देता है एक्सेस ऑफ वाटर, ठीक है। अब देखो कैल्शियम नाइट्राइड क्या होगा, Ca3N2, दिस विल बी कैल्शियम नाइट्राइड, ठीक है। अच्छा, इसका रिएक्शन विद वाटर करेंगे तो क्या बनेगा। अब याद रखो मैंने आप लोगों को बता रखा है कि आयड का रिएक्शन विद वाटर करने पे, आयड का रिएक्शन वाटर करने पे क्या मिलता है, हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड। दिस इज अ फंडा जो आपको हमेशा ध्यान में रहना चाहिए, हाइड्राइड प्लस हाइड्रोक्साइड। तो दिस इज नाइट्राइड, इसका रिएक्शन करने पे क्या मिलेगा, हाइड्राइड। तो हाइड्राइड इसका मिलेगा, जो नेगेटिवली चार्ज होगा उसका हाइड्राइड मिलता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसका हाइड्रोक्साइड मिलता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्राइड, क्या हाइड्राइड क्या हो जाएगा, NH3। अच्छा ठीक है। अच्छा अब आपसे पूछा गया कि यहां पर क्या मिलेगा। अब देखो यहां पर मिलेगा आपके पास वॉटर गिव्स डैश मोल्स ऑफ, सॉरी क्वेश्चन में था डैश मोल्स ऑफ अमोनिया, डैश मोल्स ऑफ अमोनिया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। कितना हो जाएगा, यहां पर 3 हो जाएगा, यहां पर 2 हो जाएगा, ये बैलेंस हो गया, तो कितना मोल्स आ जाएगा यहां पर, 2 मोल्स, यहां पर क्या आ जाएगा, 2 मोल्स ऑफ अमोनिया, ठीक है। तो बस यही क्वेश्चन था, यहां इसका आंसर था 2, है ना, सिंपल क्वेश्चन था, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था। चलिए आज के बेटा इस पेपर में इतना ही, इनऑर्गेनिक क्वेश्चन थे, आसान क्वेश्चन पूछे गए थे, डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, होपफुली आप लोगों से हुए होंगे, ठीक है। आप लोग मेहनत भी कर रहे होंगे और आप लोग पढ़ भी रहे होंगे। चलिए अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक मेहनत करते रहो, पढ़ते रहो और सीखते रहो कुछ ना कुछ, है ना। चलिए आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू फॉर लिसनिंग।